हेलो भाइयों, मैं हूँ सुफियान रहीम और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्ड फीगो के वाइपर कंट्रोल्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं ये है फोर्ड फीगो और आप सबको पता ही होगा कि जितनी भी फोर्ड की कार्स होती हैं या फिर जितनी भी मोस्टली जर्मन ब्रांड्स की कार होती हैं उनमें सब में जो वाइपर का स्टॉक होता है या फिर जो वाइपर वाला लीवर होता है वो राइट साइड में होता है, और वहीं जो दूसरी ब्रांड्स होती हैं उनमें वाइपर का जो स्टॉक होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो आज हम फोर्ड की कार का ये एक वाइपर स्टॉक देखने वाले हैं कि वो कैसे फंक्शन करता है। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों में फंक्शंस अलग होते हैं। तो आज हम ये वाला वाइपर स्टॉक देखने वाले हैं और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो लेफ्ट साइड में वाइपर स्टॉक होता है वो कैसे काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं ये टॉप मॉडल है जिसमें पीछे भी वाइपर आता है। तो मैं आपको फ्रंट और रियर दोनों ही वाइपर के कंट्रोल्स बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये होते हैं वाइपर्स जो जब बारिश वगैरह आती है या आपका कांच गंदा होता है तो ये आपके कांच को साफ़ करने में मदद करते हैं। और ये जो आप ये ब्लैक वाला ये देख सकते हैं ये होती हैं वाइपर की नोज़ल्स, इनमें से पानी आता है जब आपका कांच गंदा होता है तो ये आपको कांच साफ़ करने में मदद करती हैं। और अगर आपके वाइपर्स में इस तरह से नोज़ल्स में पानी नहीं आ रहा है या फिर पानी आ रहा है तो वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने उस पर भी वीडियोस बना रखी हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी कांच गंदा हो रहा है, कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन ये गंदा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसे सिंपली वाटर से क्लीन करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि आप जो ये वाला पार्ट देख सकते हैं आपको इसे अंदर की तरफ पुश करना होगा, तो इससे आपका वाटर भी निकलेगा और वाइपर्स भी ऑन हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इसे अंदर की तरफ प्रेस करा और इसमें से वाटर भी निकल रहा है और वाइपर्स भी चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये कांच क्लीन हो चुका है। अब जैसे हल्की हल्की सी जो बारिश आती है उसमें अगर आपको सिर्फ एक बार वाइपर चलाना है तो आप इसे सिंपली एक बार नीचे की तरफ करेंगे तो ये वाइपर एक बार चल के और बंद हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, एक बार नीचे करा और ये वाइपर बंद हो गया। फिर उसके बाद जो थोड़ी बूंदाबांदी वाली बारिश आती है जिसमें बूंदें बहुत धीरे धीरे टपकती हैं तो ये आप इसको एक बार ऊपर चल करेंगे तो ये एक बार चलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। क्या आप देख सकते हैं ऐसे हर 4 से 5 सेकंड के इंटरवल में चलेगा, ये आप इसे देख सकते हैं। फिर अगर आप इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ करेंगे तो ये वाइपर धीरे धीरे चलता ही रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। और जब आप इसको पूरा ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये वाइपर काफ़ी तेज़ चलने लग जाएगा, ये काफ़ी हैवी रेनफॉल्स में बहुत काम आता है, तो ऐसा कुछ ये वर्क करता है। और इसको ऑफ़ करने के लिए आप सिंपली इसे नीचे कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं अब ये ऑफ हो चुका है। और जो रियर वाला वाइपर होता है इसमें सिंपल रियर वाइपर है, एक और वाइपर आता है जिसमें आपको हाई और लो के भी कंट्रोल मिलते हैं रियर वाइपर में भी, लेकिन इसमें रियर वाइपर के लिए सिर्फ एक ही स्पीड है। तो अगर आप इसे सिर्फ एक बार पीछे करेंगे तो रियर वाइपर ऑन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप इसे पीछे की तरफ पुल करके रखेंगे तो जो पीछे के वाइपर से पानी आता है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ये मैंने इसे पुल करके रखा और ये आप देख सकते हैं पानी भी आ रहा है। अब मैं इसे छोड़ दूँगा तो पानी आना बंद हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं वाइपर अभी भी चल रहे हैं। और मैं इसे पीछे कर दूँगा वापस तो पीछे का वाइपर भी ऑफ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।